टेक्निक सर्वे में पहला जो अपडेट निकल के आया सबको जो है रियलमी नाजो 75G जो इसमें अपडेट निकल के आया लॉन्च आपको 24 अप्रैल को दिया गया। डिस्प्ले आपको एमुलेट हुई आपको 120 GB रिफ्रेश रेट दिया गया। प्रोसेसर मीडिया टेक डिमेंसिटी 7050 से दिया गया अपडेट निकल के रियलमी की तरफ से। तो दूसरा जो अपडेट निकल के आया उसमें कुछ वन प्लस नॉर्ड C3 जो इसमें आपको 6.7 इंच आपको फुल HD फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले हुई आपको अप टू 120 GB रिफ्रेश रेट दिया गया। प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G प्रोसेसर दिया गया। आपको 12 GB रैम 256 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया। आपको एंड्रॉइड 13 बेस्ड ऑक्सीजन OS 13.1 आपको रियर कैमरा दिया गया 50+8+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया 16 MP का बैटरी आपको 5000 mAh का दिया गया। 80 W का आपको वाइड सुपर VOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ 5.2 दिया गया। ये अपडेट निकल के आया वन प्लस की तरफ से। तो तीसरा जो अपडेट निकल के आया उसमें आपको जो है रियलमी C65 5G अगले अपडेट निकल के लॉन्च डेट आपको अप्रैल 26 को दिया गया। 6.67 इंच आपको HD डिस्प्ले आप टू इधर जो 120 GB रिफ्रेश रेट दिया गया। आपको 8 GB रैम एंड अप टू 256 GB स्टोरेज दिया गया। बैटरी आपको 5000 mAh का दिया गया। 45 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आपको प्रोसेसर मीडिया टेक डिमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया। IP54 रेटेड बिल्ट डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। ये अपडेट निकल के आया रियलमी की तरफ से। तो चौथा जो अपडेट निकल के आया उसमें कुछ रेडमी बर्ड्स 5A जो ये लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको बर्ड्स 5A आपको इक्विपड आपको 12 mm डायनामिक ड्राइवर दिया गया। 25 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया। आपको गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट मिलता है। एट क्लेम आपको ऑफर आपको 30 आवर्स का आपको बैटरी लाइफ मिलता है। आपको TWS एडिट्स जो दिया गया प्रोवाइड किया गया 90 मिनट्स प्ले टाइम जो 10 मिनट चार्ज करने से मिलता है। इसमें आपको इट्स आपको IPX4 रेटेड फ्लैश रेज का सपोर्ट मिलता है। ये अपडेट निकल के आया है रेडमी बर्ड्स की तरफ से। तो पांच नंबर पे जो अपडेट है इसमें आपको IQOO Z9X 5G जो इसमें वाले अपडेट निकल के आपको एमुलेट डिस्प्ले दिया गया। 120 GB रिफ्रेश रेट दिया गया। पिक ब्राइटनेस अप आपको अदर 100 nits का दिया गया। प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 SoC प्रोसेसर दिया गया। बैटरी आपको 6500 mAh दिया गया। 44 W का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज दिया गया। अपडेट निकल के IQ की तरफ से।